गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई तो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप लोग का पढ़ाई लिखाई सिर्फ SST में ही बढ़िया चल रहा है या सब में बढ़िया चल रहा है? कमेंट में बताइए हमें। आप लोगों ने अभी तक जो है कि सिविक्स पढ़ा, सिविक्स जो है कि आपको 5 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने सिविक्स पढ़ा, सिविक्स का पहला चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें हमको लगता है जहाँ तक कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। लेकिन दूसरा चैप्टर में आप लोगों का समझ नहीं आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थी जो है दूसरा चैप्टर समझ गए होंगे। तो आज हम लोग जो है कि इकोनॉमिक्स, 9th क्लास का इकोनॉमिक्स को करेंगे, पालमपुर गांव की कहानी। ये जो है इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। ये जो है कि एक गांव की कहानी है, पालमपुर गांव की कहानी है, वहाँ के किसानों की कहानी है, वहाँ के लोगों की कहानी है। और इसमें आप लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जो बहुत सारे बातों को पढ़ेंगे, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगार कितना बड़ा सब कितना तरह के बेरोजगारी होता है, शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है, ये सारे बेरोजगारी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए एक बात, आप लोग को यदि समझ में आ गया है, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है सुनने और समझने में अच्छा लगता है, तो आप लोग जो है ग्रुप जो बना हुआ है उसमें हमें मैसेज करिए और उसमें बताइएगा कि वीडियो में कहाँ किस चीज़ का सुधार करने की आवश्यकता है। कुछ लोग आप लोगों को परेशान करने के लिए, भटकाने के लिए वीडियो में आएंगे ही, और वो सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। वो सारे लोग 2-2 रुपया में अपना सब्सक्राइबर बेचते हैं, कमेंट बेचते हैं। और असली कहानी ये है कि वो लोग जितने भी हैं 2-2 रुपया में, मात्र 2-2 रुपया में सब्सक्राइब करवाते हैं, अपना चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं, मतलब कोई कस्टमर खोजते हैं। और कस्टमर खोजने के लिए क्या, सबसे पहले आपके चैनल, जैसे ये चैनल चल रहा है, इस चैनल में जो है कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से परेशान करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करने और गुस्सा कर दिलाने का प्रयास करेंगे। तो उसको पता नहीं है कि हमको गुस्सा आता ही नहीं है। जितना कमेंट करना है करो, क्योंकि मुझे तो जो करना है सो मैं कर ही रहा हूँ, जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही, और जिनको जो देखना है वो यहाँ आके देखेगा ही। और मेरे विद्यार्थी से मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो है कि उसका जवाब देने की पूरा का पावर रखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे ऐसे कम, मान लीजिए कोई आप नया चैनल बनाया है तो उसके पास चल जाइए, तो आपको जो है कि 2 रुपया में सब्सक्राइबर खोज देगा। अपना जो है एक 100-100 ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है, 1000-1000 ईमेल आईडी बना के रखा हुआ है, आप वहाँ चल जाइए, धंधा धंधा खोल के रखा हुआ है। वो क्या करता है, आपसे 2 रुपया लेगा, एक सब्सक्राइब कर देगा। आप 2000 रुपया दीजिए, आपको 1000 सब्सक्राइब कर देगा। आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ से जो है कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी कमेंट करवाना चाहते हैं, आपको उसका जो है कि कमेंट करवा देगा, 150 कमेंट करवा देगा, 200 रुपया दीजिए, 150 से ज़्यादा कमेंट करवा देगा, 1000 से ज़्यादा कमेंट करवा देगा। लाइक आपको चाहिए तो वो सारे के लिए भी पैसा लेता है। तो इन लोग तो पैसों के लिए आते हैं, लेकिन आपको जो है पैसा कमाना है, आप लोगों को भी पैसा कमाना है, लेकिन किस प्रकार से कमाना है, पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनकर पैसा कमाना। ऐसा नहीं कि ये सारे लोग के साथ लग गए और लगने के बाद जो है कि हम लोग भी ये लग गए कि नहीं कैसे कमेंट कर दिया, ऐसा नेगेटिव बात कैसे कर दिया। क्यों, आप लोगों ने देखा है ना, पिछले दिनों से आपने देख रहा होगा कि आता है, आने के बाद जो है कमेंट करता है, वीडियो चालू नहीं हो रहा है, वीडियो चालू नहीं हो रहा आपका, आप टाइम पास करने के लिए आए हैं, आप जो है कि इससे अच्छा तो मेरा चैनल में जो है कि चल रहा है, मेरा चैनल में आ जाओ। आप जो है विद्यार्थियों को जो है कि परेशान कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, इस प्रकार के बातें लिखेगा लिखेगा और परेशान करने का प्रयास करें, क्योंकि क्योंकि उसे मैंने सब्सक्राइब के लिए ऑप्शन नहीं दिया था। मैंने उसको जो है कि ये नहीं कहा था कि आप जो है आपके पास हम आएंगे, 1000 सब्सक्राइब आपसे हम लेंगे और हमारा वीडियो चलने लगेगा और इस वीडियो से हम पैसा कमाने लगेंगे, ऐसा सोच मेरी नहीं थी। यदि ऐसा सोच मेरी होती तो डायरेक्ट मैं शुरुआत ही दिन चल जाता। और मेरा सोच क्या है, मैं पहले से वीडियो बनाता था, ये जो है कुछ विद्यार्थी जो है, जैसे पंकज, पंकज मेरे घर के सामने से है तो उसको पता है कि मैं पहले वीडियो बनाता था, और हम मुझको पता है कि किस प्रकार से वीडियो में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया जाता है, क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़ हमको पता है, और लाइव स्ट्रीम जो है 1000 होने के बाद ही होता है। तो ये साधारण सी बातें हैं, तो मुझे जो है कि ये
ज्ञान दे रहा है कि नहीं आप जो है कमेंट करवा लो, इतना पैसा दो इतना पैसा दो, तो मैंने जो है कि इनकार कर दिया है। तो इनकार करने के कारण से जो है कि उसने कमेंट करना शुरू कर दिया है, कुछ भी कमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप लोग उसको ना ध्यान देकर अपना अपना जो है कि पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। ये विशेष बातें हमको बताना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग और आएंगे जो पैसों में बिकते हैं, और अभी दो दो रुपया में। अरे बिकना भी है तो 1000-2000 में बिको, कम से कम समझ में आएगा, लेकिन 2 रुपया में बिकते हैं। तो ऐसे लोग हैं, और कमेंट आप लोग जो देख रहे हैं पिछले दिनों से जो चल रहा है वो सारे यही चीज़ है। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा, और मैं आप लोगों के साथ मैंने कहना चाहा है कि आप लोग भी कुछ ना कहिए, आप लोग भी शान से पढ़िए और आगे बढ़िए। हमको भी शान से पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। जिसको सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको लाइक करना है लाइक करेगा, जिसको कमेंट करना है कमेंट करेगा, और जिसको जो है कि यहाँ 2-2 रुपये में कमेंट करवाना है वो कमेंट करवाएगा, नेगेटिव कमेंट आना तो वो भी चलेगा। अरे कम से कम तो वीडियो में कमेंट तो कर रहा है ना, इससे तो ये पता चल रहा है कि कुछ लोग को तो आग लग गया है कि क्यों आखिर क्यों बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसे पता नहीं कि क्यों बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं हर एक सब्जेक्ट को लाऊँगा, और ये जो कमेंट करने वाले 2-2 रुपये वाले जो लोग हैं उन लोगों को परेशान करके रहूँगा। अब जो है कि मैं हर एक सब्जेक्ट पर बनाऊँगा, 8 क्लास का जितना है, 9 क्लास का जितना है, 10 क्लास का जितना है, 11 और 12 का जितना है, मैं कोशिश करूँगा कि अगस्त से पहले तक सारा वीडियो कंप्लीट होकर हर चीज़ को समझा कर एक नंबर या क्वेश्चन से MCQ है उसको भी कंप्लीट कर हर एक चीज़ सारा चीज़। और हम लोग का जब क्लास शुरू होने लगेगा तो हम लोग तो इस प्रकार से आना नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इन लोग जो है कि मुझे थोड़ा सा नहीं चाहते हैं कि मैं YouTube में आके पढ़ाऊँ। इन लोग नहीं चाहता है कि मैं YouTube में पढ़ाऊँ और इन लोग का धंधा बंद हो जाए। तो इन लोग का धंधा बंद करने के लिए कितना रिपोर्ट, कितना क्या सब जो है कि मिल रहा है ना, पैसे की डिमांड है। पैसा मैं देने वाला नहीं हूँ, सब्सक्राइब मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, कमेंट मैं खरीदने वाला नहीं हूँ, किसी प्रकार का कुछ खरीदने वाला नहीं हूँ सारा चीज़। तो मैं जो है कि मैंने जो फैसला किया है वो 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास 11 क्लास और 12 क्लास, ये जितने भी क्लासें हैं इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ फ्री, बिल्कुल फ्री। सिर्फ आना है लाइफ देखना है, आना है लाइफ देखना है। और जो नया टाइम जब मैं वीडियो आप लोग स्कूल जाने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे, तो एक जो है कि नया टाइम मैं जो दूंगा उसमें 6:10 में रोज़ सुबह 6:10 या 6 बजे आप लोग के सामने वो वीडियो हाजिर हो जाएगा। वहाँ पर देखिएगा फिर इन लोगों का कमेंट, मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए भी और अपने विद्यार्थियों के लिए भी और सारे लोगों के लिए भी जिसको ज़रूरत है उसके लिए, और जितने सारे लोग हैं उसके लिए, जैसे विद्यार्थी लोग हैं लॉकडाउन के कारण में जो है कि पूरी तरह से पढ़ नहीं सकते जा सकते हैं, कोई स्कूल यदि खुला हुआ या ट्यूशन जहाँ कहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं या सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट को नहीं ले पाते हैं। इसी कारण से सारी समस्याओं को मैं दूर करते हुए मैं अगस्त तक जो है कि सारा वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास ये सारे बच्चों के लिए मैं जो है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए लाऊंगा। सबसे पहले SST करवाऊंगा, ये चारों क्लास जो है उसमें सबसे पहले SST कराऊंगा। SST के बाद आप लोगों का जो है हिंदी करवा दूंगा, हिंदी के बाद आप लोगों का जो है कि मैथ करवा दूंगा। सारे चीज़ एक एक करके, जो भी चीज़ है एक एक करके सारा वीडियो जो है अगस्त तक जो है कि सारा लाकर रख दूंगा। और उसके बाद जिसे देखने का मन करें, जिसे जो है कि कहीं पढ़ने के लिए पैसा नहीं देने का मन है, मान लीजिए ट्यूशन में जो है कि जाता है पढ़ने के लिए, उसको जो है कि पैसा देना पड़ता है, पैसा देकर पढ़ता है और उसको जो है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ लाइव आना है, कुछ नेट खर्चा करना है, नेट जो है लाइव में आकर नेट खर्चा करके आप लोगों को जो है यहाँ पर देखना है, बस इतना ही काम करना है। टोटल चीज़ मैं यहाँ पर ला कर दूंगा, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे, उर्दू रहे। उर्दू तो मैं जानता नहीं, लेकिन उर्दू जो है कि जानने वाले लोग हैं उसके से मैं क्लास करवा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं वो भी क्लास दूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो उर्दू वाले भी क्लास हो सकता है ना, मैं नहीं जानता क्या हुआ, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, मेरे इतने दिन से मैं उन लोग के साथ रहा तो कम से कम उन लोग तो इतना हेल्प कर ही सकते हैं, तो ये भी चीज़ है। इसी के साथ अब जो है हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स पालमपुर गाँव की कहानी, यहाँ पर जो है एक गाँव है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। ये जो है आपका
कौन सा क्लास का है, तो ये जो है 9 क्लास का है। ये कौन सा किताब का है, तो ये SST किताब का है। SST किताब में से कौन सा किताब का है, SST के भाग होते हैं उसमें से कौन सा है, तो ये इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में से कौन सा चैप्टर है, तो इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम जो है पालमपुर गाँव की कहानी है। पालमपुर गाँव की कहानी है, ये बात जानिए। अवलोकन मतलब अवलोकन क्या क्या है, तो थोड़ा सा अवलोकन को देखते हैं। अवलोकन में क्या अवलोकन किया गया है, बड़ा कर देते हैं। अवलोकन मतलब समझाने का प्रयास किया है कि इस चैप्टर में क्या बताना जाने वाला है। अवलोकन, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। मतलब उत्पादन, उत्पादन क्या होता है, हम लोग जो है कि बहुत सारी चीज़ का उत्पादन करते हैं। हम लोग जो है कि धान का उत्पादन करते हैं, गेहूँ का उत्पादन करते हैं। हम लोग जो है कि कंपनी में चल जाइए तो वहाँ पर स्टील का उत्पादन होता है। यदि आप केरला की ओर चल जाए तो वहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है। इसी प्रकार आपका शिमला चल जाइए तो वहाँ पर जो है कि सेब का उत्पादन होता है। हम लोग झारखंड में यदि देखा जाए तो झारखंड में धान का उत्पादन है, गेहूँ का उत्पादन है, आम का उत्पादन है। ये जो आम फलते हैं ना, जो आम का जो बगीचा वगीचा होता है, बगीचा होता है, उसको भी जो है कि कृषि में ही लाया जाता है। तो आम का उत्पादन है, लीची का उत्पादन है, इसके साथ साथ कटहल का उत्पादन है और बहुत सारे चीज़ों का जो है जामुन का उत्पादन है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ का जो झारखंड में उत्पादन होते हैं, सारे उत्पादन है। तो यही इसी प्रकार जो है कि पालमपुर गाँव का उत्पादन के बारे में बताएगा, आगे बताएगा। अब देखते हैं उत्पादन का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए। उत्पादन का मतलब आपका कृषि से भी उत्पादन हो गया, और यदि आप यदि कंपनी के पास चल जाइए तो आप कंपनी में भी जो स्टील का उत्पादन होता है, साबुन का उत्पादन होता है, आप साबुन का उत्पादन देख लीजिए, सर्फ का उत्पादन होता है, ये सारे उत्पादन है। एंड वो भी उत्पादन है और ये भी उत्पादन है। यदि आप हम लोग किसान की बात करते हैं तो किसान का उत्पादन क्या हो गया, तो वहाँ पर जो आपका धान उत्पादन हो गया, गेहूँ उत्पादन हो गया, जौ उत्पादन हो गया, गन्ना उत्पादन हो गया, टमाटर उत्पादन हो गया, उसके बाद आपका जो है कि आलू उत्पादन हो गया, ये जो है कि मिर्चा उत्पादन हो गया, बैंगन उत्पादन हो गया, ये भी उत्पादन है। ये सारे चीज़ उत्पादन जो है किसान के लिए। और यदि कंपनी के पास चल जाए तो कौन सा उत्पादन हो जाएगा, जैसे बिजली उत्पादन हो गया, बिजली का उत्पादन हो गया। दूसरा बात क्या है कि आप जो स्टील का उत्पादन हो गया, साबुन का उत्पादन हो गया, वहाँ पर क्या साबुन का उत्पादन हो गया। इसके बाद जो है कि आप देखिए चम्मच का उत्पादन हो गया, बर्तन का उत्पादन हो गया, ये सारे कौन बनाता है, तो कंपनी बनाता है। तो ये कंपनी वाला जो है उत्पादन हो गया, और ये जो है हम लोग देख रहे हैं तो उस तरह कंपनी का उत्पादन। और किसान के बारे में बात करें तो किसान क्या क्या उत्पादन करता है, ये सारी बातों को आपको दो तरह से जो है कि हम समझाने का प्रयास किए हैं। समझ में आया तो यहाँ पर लाइक करिए, और लाइक करने के साथ आप लोग कमेंट करिए, ऐसे नो जो भी करना है कहिए। नहीं समझ में आया तो बोलिए क्या समझ नहीं आया, और समझ में आ गया तो बोलिए क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, यही समझ में आ गया। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव, ये जो पालमपुर गांव है ये वास्तव में ये गांव नहीं है, ये किसी प्रकार का कोई गांव नहीं है जहां पर आप बोले कि अरे पालमपुर की कहानी है, चलो पालमपुर घूम के आते हैं। तो पालमपुर आप कल्पना में तो घूम सकते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं कि ये पालमपुर की कहानी है, कहानी में जाकर कि ये किसान था या फिर लोग थे, वहाँ पर कितने लोग थे, क्या काम करते थे, कितने लोग नहीं काम करते थे, कितने लोग मौसम के बिगड़ने से या मौसमी बेरोजगारी के कारण से कहाँ काम करते थे, कितना ईंट के भाठों में काम करते थे। ये सारे बातें जो है आप यदि कहेंगे कि हम जाकर देख के आएंगे, तो ये आप जाकर देख के नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कल्पना के मात्र में लिखा गया, एक प्रकार का कहानी है, ना कि ये वास्तविकता है। अब भारत में घूमिए, भारत में घूमते घूमते चल जाए कि जो एक ये वाला जो कहानी दिया है वो कौन सा खेती है, कहाँ पर होता है, तो आप खोजते खोजते थक जाइएगा लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कल्पना किया गया है, कल्पना के आधार पर बनाया गया है। जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, फिल्म में जो है कि जितना भी जो है कि मुजरिम होता है या फिर जो गुंडा होता है, आतंकवादी होता है, उसे मार दिया जाता है और वो जो है दूसरा फिल्म फिर काम करता है। उसी प्रकार जो ये है कि कल्पना में जो है मार दिया गया, रियल में जो है कि ये नहीं है, मतलब ये जो है कल्पना में, रियल में ये चीज़ ये गांव आपको दिखाई नहीं देगा। इसके माध्यम से आपको उत्पादन के बारे समझाने का प्रयास करेगा कि उत्पादन कैसे होती है। ये नहीं कि चलो इस गांव को घूम के आते हैं, तो ऐसा होने वाले नहीं, लेकिन चलो हम लोग इस गांव को घूम के आते हैं कल्पना के माध्यम से। किसके माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, सोच के माध्यम से इस गांव को हम लोग भी घूमेंगे, लेकिन कल्पना के माध्यम से। जिस प्रकार ये वास्तविक नहीं है उस प्रकार से हम लोग वास्तविक तरह से घूमेंगे नहीं, हम लोग भी कल्पना के माध्यम से। हम लोग भी किसी से कम है क्या, हम लोग भी घूम के आएंगे, किसी से कम नहीं। क्यों आफरीन, क्यों पंकज सही बोल रहे हैं ना, क्यों प्रकाश, रश्मि सही बात है या नहीं बोलो।
ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती का मुख्य क्रिया था, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। वहाँ पर जो है कि जो लोग करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हुआ करता था वो क्या होता था, खेती। वहाँ खेती का सबसे अच्छा धंधा मुख्य काम था, वहाँ पर सारा सबसे पहला काम जो है कि खेती का था। मतलब वहाँ किसान लोग जो है अधिक रहते थे, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विभाग, लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, डेयरी मतलब दूध उत्पादन जो होता है, जो गाय का दूध है वो डेयरी कहा जाता है। परिवहन, परिवहन मतलब कोई भी गाड़ी से आना जाना या फिर उस चीज़ का कोई सामान को ले जाना। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार बैलगाड़ी से लेके आया जा जा रहा है उसको भी परिवहन कह सकते हैं। आदि सीमित स्तर पर की जाती थी, ये सारे सीमित स्तर पर की जाती थी। और आगे देखते हैं, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ को हम लोग उत्पादन करेंगे, मान लीजिए हम लोग को टमाटर लगाना है, टमाटर लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे हम लोग आलू लगाते हैं तो आलू लगाने के लिए कुछ चाहिए। अभी जो है धान लगने वाला है, अब जो मौसम आ गया धान लगने का मौसम आ गया, तो धान लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब क्या चाहिए आप लोगों को पता है, किस किस प्रकार का सामान चाहिए, किस प्रकार का नहीं चाहिए। जो भी किसानी कर्म में है, जो कृषि के कार्य में है, जिसके घर में माता पिता जो किसानी कार्य करते हैं उसको पता है कि किस प्रकार से किसानी किया जाता है। तो बिना कोई भी उत्पादन यदि हो रहा है तो उत्पादन डायरेक्ट तो नहीं हो जाता है। मान लो कि जैसे साबुन का ही उत्पादन हो रहा है, तो साबुन का उत्पादन होने के लिए रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो होता है, वो कंपनी को जब तक नहीं दीजिएगा तब तक उत्पादन नहीं होगा। हम लोग का मान लो विद्युत उत्पादन होता है, मान लो कि हमारे शहर में जो है विद्युत उत्पादन होता है, अब विद्युत उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो क्या उसके लिए कंपनी को कहेगा कि नहीं तुमको पानी नहीं देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे, कोयला नहीं देंगे, तुमको जो है कि बिजली बनाना है, तो उस समय जो है कि वो बिजली कंपनी नहीं बना सकती। ऐसे जो है कि बिना पानी बिना कोयला का भी बिजली बनता है, ये भी बात आप लोग जानिए। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में जो है पानी नहीं लगता है, बिजली नहीं लगता है ना, बिजली नहीं लगता, बिजली का उत्पादन होता है ना। सोचने वाली बात है, कभी कभी हम भी गड़बड़ा जाते हैं। तो जो है कि वहाँ पर बिजली उत्पादन होता है लेकिन वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं होती, कोयला की आवश्यकता नहीं होती। सौर ऊर्जा में होता है। और पवन ऊर्जा में जो है पवन का हवा चाहिए। पवन का हवा जब आए तो वो जो है गोल 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 घूमता है, घूमने के बाद जो है पवन ऊर्जा से बिजली बनता है। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आए और डायरेक्ट आने के बाद पड़ने से भी जो है बिजली बनता है, कोयला के माध्यम से भी बिजली बनता है। तो ये जो है रॉ मटेरियल जो है नहीं मिले, मान लो कि जो है कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में जो है कि उधर सूर्य भगवान जो उगे ही नहीं, सूर्य जो उगे नहीं और आने के बाद जो है वहाँ पर सूर्य जो है उगा नहीं, तो लाइट जो है पड़ा नहीं। लाइट जब पड़ा नहीं तो क्या होगा, जब लाइट ही नहीं पड़ा तो क्या चार्ज होगा, बैटरी चार्ज होगा, क्या सौर ऊर्जा से जो है कि उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार यदि पवन ऊर्जा में पवन ही नहीं घुमा, मतलब हवा आया ही नहीं और जो चक्की जो गोल 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 घूमती है वो घुमा नहीं, तो घुमा नहीं तो क्या होगा, पवन से क्या बिजली बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब दो चीज़ हो गया। अब क्या है कि कुछ चीज़ बिजली बनने का और एक तरीका होता है, बहुत सारे तरीके हैं बिजली बनाने के, तो अभी जो है कि कुछ कुछ एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं। इसके बाद यदि आप लोग चल जाइए, कहाँ चल जाइए, कंपनी चल जाए जहाँ पर कोयला के माध्यम से उत्पादन किया जाता है बिजली का, वहाँ पर बोला जाए कि भाई आपको देखो कोयला नहीं देंगे, आपको उत्पादन करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तो क्या उत्पादन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब जो चीज़ चाहिए उसी तो चाहिए, कच्चा माल तो चाहिए। उसी प्रकार कोई भी चीज़ है, कोई किसान है उसको भी कुछ उत्पादन करने के लिए तो कुछ तो चाहिए। तो ही बात यहाँ पर कहा गया है। तो डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर की जाती थी। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, अभी हम समझाने का प्रयास किए। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मतलब यहाँ देखो प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या है, आप कृषि करने के लिए गए हैं और आप ऐसे ऐसे इलाकों में कृषि करते हैं जहाँ पर कुआं का साधन नहीं है, तालाब का साधन नहीं, नदी के साधन नहीं, चोरिया का साधन नहीं। तो आपको यदि वहाँ पर धान लगाना है तो सबसे पहले आप किस पर निर्भर करिएगा, आप जो ऊपर देखिएगा और ऊपर में जो है कि जो बादल है और कहेगा कब गिरेगा रे तू, तो धान लगा लेंगे, तो वो भी बात है। तो हमको क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया, पानी गिरना। अब पानी भी लगातार गिरते रहे तो फसल जो है ख़राब हो जाएगी, तो हमें और क्या चाहिए प्राकृतिक के लिए, हम लोग को चाहिए सूर्य का रोशनी, जिससे जो है कि जो पौधा लगाएं वो पौधा हमें सूर्य का प्रकाश मिले, वो भी खा सके और हमें भी खिला सके। ये सारी बात है। ऐसा नहीं कि धान का पौधा जो है कि वो खाना नहीं बनाता, वो भी खाना बनाता है, लेकिन धान जब बढ़ता है उसका औसत तो उम्र जो है कि लगभग 3 मंथ होता है। 3 मंथ में जो है कि 3 मंथ होने के बाद उसका जो है कंप्लीट हो जाता है,
और होने के बाद 3 महीने जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या है कि वो धान का उत्पादन हो जाता है, हम लोग कटाई करते हैं, कटाई के बाद धान निकालते हैं, और धान निकालने के बाद उसको जो है कि हम लोग चावल में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये भी बात है, अब यहाँ तक है ये सारा चीज़ है। तो उसी प्रकार अब क्या है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, प्रकृति में पानी जो है बादल से ऊपर से गिरता है वो भी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर नली क्या कहते हैं उसको, नदी से, बहुत सारे कुआँ से और बहुत सारे तालाब से भी जो है कि पटा लिया जाता है पानी को, पानी को चला कर सिंचाई कर वो सारा समस्या को दूर कर दिया जाता है। ये भी है, लेकिन हर जगह जो इस प्रकार का उपलब्ध नहीं है, तो ये भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश तो चाहिए चाहिए। ये कुछ एग्जांपल थे। अब आगे देखते हैं मानव निर्मित वस्तु। मानव निर्मित वस्तु क्या, जैसे आज हम लोग जो है कि धान लगाना चाहते हैं तो कौन सा क्या लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे, है ना, गाड़ी से जोत रहा है हल को, अब जो बैल वेल बहुत कम लोग लेके जाता है, और भी ट्रैक्टर लेके जाओ और ट्रैक्टर का द्वारा जो है कि जोत लिया गया, बहुत लोग तो मशीन के द्वारा ही फसल लगा दिया जाता है, जिसके पास वो मशीन नहीं है उन लोग जो हाथ से लगाते हैं, ये सारे चीज़ हैं। तो मानव निर्मित वस्तु की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी, वहाँ भी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें पड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर है मानव निर्मित वस्तु, हो गया मानव निर्मित वस्तु क्या है, कुदाड़ी जो है उसी से है, कुदाल जो है उसी का है, मानव निर्मित ही है, है ना। यदि ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उस कोई गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, तो गाड़ी भी जो मानव द्वारा ही बनाया गया, मतलब मानव निर्मित मतलब क्या हो गया, जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। जैसे मान लो कि ये जो मैंने मैक का यूज़ किया है, यहाँ पर जो है मैक मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पर मैक लगाया हुआ है जिसमें हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये मैक जो है कि कोई ना कोई आदमी ने बनाया, कोई ना कोई व्यक्ति ने बनाया है। हमने जो है कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कलम है, कलम का इस्तेमाल हो रहा है, है ना। तो कलम आप लोग जो है लिख के रहे हैं कलम से, कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कॉपी और कलम अपने आप उत्पादन हो गया, उसको तो किसी ने तो बनाया। आप जिस कलम से लिख रहे हैं, ब्लू पेन हो या रेड हो, ऑरेंज हो, जिस प्रकार से हो, आप उसमें लिख रहे हैं और लिखने का कार्य तो कर रहे हैं, तो क्या वो अपने आप उत्पादन हुआ है, अपने आप पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसको क्या है, कोई ना किसी मानव के द्वारा बनाया गया है। आप कुर्सी में बैठे हुए या पलंग में बैठे हुए या फिर खटिया में बैठे हुए, चरपाही जिसे कहा जाता है, तो या कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो कुर्सी यदि है तो कुर्सी जो है कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। तो कुर्सी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। आप जिस पलंग में बैठे, तो पलंग क्या, पलंग भी तो किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया, तो पलंग भी जो है मानव निर्मित संसाधन है। आप कलम इस्तेमाल कर रहे हैं, कलम लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कलम क्या है, कलम भी किसी व्यक्ति ने बनाया। तो वो सारे संसाधन, वो सारे वस्तु जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जो पलंग में आप बैठे हुए हैं वो पलंग, जो चरपाही में बैठे हुए हैं वो चरपाही, आप जो कुर्सी में बैठे हुए वो कुर्सी, आप जिस कलम से लिख रहे हैं वो कलम, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो सारा चीज़, मैं जिस माइक का यूज कर रहा हूँ, जिस फ़ोन के द्वारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ जो है मानव निर्मित है। ये सारे क्या है, मानव निर्मित है, और जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन, उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। अब आगे देखते हैं मानव प्रयास। अब कोई भी कार्य है, जैसे मान लो कि हम लोग के पास ये माइक्रोफोन भी है, हम लोग के पास कॉपी भी है, कलम भी है, सब कुछ है, अब क्या है कि पढ़ाने के लिए कोई बैठा ही नहीं, मान लो कि हम आए नहीं, आप कलम कॉपी लेकर आप बैठे हुए हैं, आप जो है लिखने के लिए तैयार हैं, और आपको अचानक पता चला कि हम जो है कि अपना वीडियो डाले ही नहीं, और मेरा वीडियो गया ही नहीं। जब मेरा वीडियो ही नहीं गया, तो आप लोग उस कलम का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप जो है अपने द्वारा बनाएंगे, जिस इस चीज़ का जो इंतज़ार कर रहे हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये जो करना वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये भी जो है कि एक प्रकार से उद्यम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार धान जो लगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, इसमें क्या है कि मानव के द्वारा जो है मेहनत है, मानव जो है मेहनत करता है, मानव उसमें जो है श्रम करता है, मतलब पसीना बहाता है, उत्पादन करने के लिए उसे हल को जोतता है, वहाँ पर कुदाली से जो है कि बहुत सारे कार्य करता है, फिर लगाता है, उसके बाद उसका उत्पादन होता है। मतलब क्या है, मानव का प्रयास भी जो जरूरी है। अब लास्ट में लिखा हुआ है मुद्रा। मुद्रा क्या है, पैसा। पैसा के बिना कुछ नहीं होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लीजिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो कब देख पा रहे हैं, आपका मोबाइल सोचिए रिचार्ज नहीं है, रिचार्ज नहीं है, पैसा नहीं है आपके मोबाइल में, आपका नेट पैक नहीं है, आप क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, है ना, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके वाला में रिचार्ज नहीं है, और रिचार्ज नहीं है तो आपका नेट चलेगा नहीं। मतलब क्या है कि आपको इस वीडियो को देखने के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता है। तो खेती करने के लिए, तो धान लेने के लिए, तो वहाँ पर जो है कि हमें क्या है, मुद्रा की आवश्यकता होगा, पैसों की आवश्यकता होगा।
या फिर चना रोपने के लिए, चना लगाने के लिए, या फिर आपको गेहूं लगाने के लिए, कुछ भी लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको है मुद्रा। वहाँ से आप जाकर लाएंगे, धान लाएंगे, धान को फिर लगाएंगे, या फिर आप जो है आलू लाएंगे, आलू लगाएंगे, टमाटर लाएंगे, टमाटर को लगाएंगे, और लेके आएंगे तभी लेके आ सकते हैं जब आपके पास पैसा हो। मतलब जिस प्रकार आप वीडियो तभी देख सकते हैं जिस प्रकार आपके पास नेट हो तब आप वीडियो देख सकते हैं, उसी प्रकार आपके पास पैसा है तो आप धान ला सकते हैं, आप गेहूँ ला सकते हैं। और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते हैं, आपको देगा ही नहीं। आप बोलिएगा मैं आया हूँ आपके पास धान लेने के लिए, किसी भी दुकान में जाकर आप बोलिएगा कि हम धान लेने के लिए आए हैं, आप धान दे दीजिए ना, मेरे पास पैसे नहीं, तो देगा नहीं देगा, है कि नहीं? तो मुद्रा की आवश्यकता है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गाँव में इच्छित लिखा हुआ है वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार पर समायोजित है। मतलब कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ को बता रहा है यहाँ पर। अब पालमपुर के बारे में यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, पालमपुर के बारे में एक लंबा चौड़ा सा परिचय दिया जा रहा है। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों की मिली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर आस पड़ोस गांवों के कस्बों से मिल, मतलब कस्बा क्या होता है, छोटा छोटा जो है गांव है, जैसे गांव नहीं भी कहा जाता उसे कस्बा कहा जाता है। जैसे आप लोग वार्ड जानते हैं, वार्ड एक वार्ड, दो वार्ड, तीन वार्ड आपको पता होगा यदि आप लोग जानते होंगे, वार्ड में बांटा जाता है। तो एक वार्ड यदि मान लीजिए तो एक वार्ड को ही कस्बा कह सकता है, कस्बा कहा जाता है, और उसको जो है कि बड़े गाँव से मिली भगत करके जोड़कर एक गाँव बना दिया जाता है। उसी प्रकार पालमपुर जो है आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। मतलब सारे जगह से ये जो है कस्बों वस्बों से जो है कि जुड़ा हुआ है, एक बड़ा गांव है। और पालमपुर जो है एक बड़ा गांव है। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर, देखो यहाँ पर एक रायगंज के बारे में जिक्र किया गया है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव के रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियों, भैंस बगही से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब क्या है, ये जो सड़क जो है रायगंज की ओर जो जाती है, पालमपुर और रायगंज की ओर जो जाती है, उसमें गुड़ भी लदा रहता है। मतलब उसमें गुड़ होता है बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में गुड़ होता है उसमें जो है कि आपका जो है कि क्या सिर्फ गुड़ ही लिखा हुआ है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य मतलब कोई वस्तु जो उत्पादन होती है उस गांव के द्वारा, उसमें जो है कि आते जाते दिखाई देता है। गुड़ का गुड़ जो है कि वहां पर आपको एक चीज़ दिया ऑप्शन में, और बहुत सारे वस्तु, आप कौन कौन से वस्तु सो हम तो भी नहीं बता सकते क्योंकि काल्पनिक है ना, वास्तविक होता तो बता देते हैं लेकिन काल्पनिक गांव है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लोग, मतलब ये गांव है उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, और कितने हैं, 450 परिवार रहते हैं वहां पर, 450 लोग रहते हैं परिवार। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति और नीच जाति दो वर्ग में जो है कि आप जानते होंगे किसे नीच जाति और किसे उच्च जाति कहा जाता है। अब किसे उच्च जाति और किसे नीच जाति कहा जाता है इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, आप लोग समझदार हैं, सरकार भी नहीं बात करना चाहती है इस मैटर में तो हम क्यों बात करें। तो यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान जिसमें से कुछ बहुत बड़े हैं, उनके जो मकान हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसके बड़े बड़े मकान भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है। जिसके पास पैसा अधिक उसका मकान घर बड़ा बड़ा होता है, कुछ लोग छोटे आदमी भी होते हैं लेकिन घर बहुत बड़ा होता है, ऐसा भी होता है। अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उसके मकान जिसमें कुछ बहुत बड़े हैं, मतलब कुछ 80 लोगों में से कुछ लोगों का ऐसे लोग हैं जिसका जो है बहुत बड़ा बड़ा घर है। ईंट और सीमेंट के बने हुए, मतलब उसका घर ईंट और सीमेंट के बना हुआ, माटी का नहीं बना हुआ, ईंट और सीमेंट का बना। पहले को जो घर हुआ करता था ना वो अधिकतम घर जो है मिट्टी का बना होता था, पत्थर का बना होता था, लेकिन इनका घर जो है सीमेंट और ईंट के द्वारा बना हुआ है। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की एक तिहाई, मतलब अनुसूचित जाति जो भी है उनकी जो है
संख्या जो है कितनी है, एक तिहाई, जितने लोग हैं उसमें से एक तिहाई, मतलब चार लोग यदि उस गांव में हैं तो उसमें एक जो है कि अनुसूचित जाति है, जैसे दलित में ब्रैकेट में जो है दलित लिखा हुआ है, तो ये इसका जो है कितना है, एक मान लो चार जो है टोटल आदमी, मान लो इस गांव में चार लोग हैं, तो चार लोग में तीन, एक वो अकेला है और बाकी तीन लोग अलग हैं, मतलब दलित लोग वहाँ पर भी जो है आपका 1% बोल सकते हैं, एक तिहाई मतलब एक साइड आपका जो है मतलब चार आदमी में एक आदमी दलित है। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का एक तिहाई है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, और ये जो है कि काफ़ी छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिसमें कुछ मिट्टी और फूस, फूस मतलब घास का घर, पहले पुआल और घास का घर बनाया जाता है उसी को फूस कहा जाता है, और मिट्टी का घर, मिट्टी का घर जो मिट्टी के द्वारा जो है बनाया जाता है, अब तो मिट्टी का घर बहुत ही कम दिखाई देता है, कहीं कहीं बहुत दूर तक 4-5, 10-15-20 किलोमीटर जाओ तो जो है कि दिखाई देता है मिट्टी घर, अब जो है ख़त्म हो गया, पीएम आवास चलने लगा है, सबका जो है घर मिलने लगा है, तो सब लोग मिट्टी का घर ख़त्म करके अब जो है कि एक मिट्टी और मिट्टी का ख़त्म करके सीमेंट वाला घर बना रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, तो ये मिट्टी घर बहुत मुश्किल से मिल रहा है, और फूस मतलब घास का घर, अब जब मिट्टी का घर नहीं दिखाई रहा तो आपको घास का घर कहाँ दिखाई देगा, घास का घर भी जो है दिखाई नहीं दे रहा, अब जो है घास का और जो मिट्टी घर नहीं दिखाई देता, लेकिन पहले जो है कि मिट्टी का घर भी हुआ करता था और जो है कि फूस का घर हुआ करता था, इस प्रकार के ज़्यादा घर करते थे, मतलब क्या है कि यदि कभी हवा चले, तूफान आ जाए तो पता चला कि घर जो है जो फूस का घर बना हुआ है वो उड़ के कहीं दूसरा जगह चल गया, मतलब पुआल लगा हुआ है पुआल जो है कि चल गया, लेकिन इस तरह से डिजाइन से बनाया करता था जो कभी उड़ता नहीं था, आप लोग चिड़िया घोंसला देखे होंगे कितना बड़ा तूफान आता है लेकिन चिड़िया का घोंसला क्या गिरता है, क्या उड़ता है, जब तक डाल नहीं टूटेगी तब तक चिड़िया का घोंसला भी नहीं टूटेगा, उसी प्रकार से जो हमारे पूर्वज लोग थे है ना, हम लोग से पहले जो लोग थे जो फूस का घर बनाते थे, मिट्टी का घर बनाते थे और हवा आती थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा पुआल और सारा का सारा जो है घास उठा के ले गया, ऐसा नहीं, उन लोगों के बनाने का जो है तरीका था, जिस प्रकार आप चिड़िया घोंसला देख लीजिए इतनी हवा चलती है लेकिन क्या पेड़ से जो है कि चिड़िया घोंसला गिरते हुए देखें, जब तक डाल नहीं टूटेगी चिड़िया का घोंसला गिरने वाला नहीं, उसी प्रकार से लोग भी बना करते थे। अब आगे देखते हैं, गांव की कुल जनसंख्या की एक तिहाई है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं जिसमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं, अधिकांश के घरों में बिजली है, अधिकांश के घरों में बिजली, सोचिए बिजली है ना, हम लोग के यहाँ तो बिजली तो ठीक से रहता भी नहीं है, कभी आता है कभी जाता है, आप यदि वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो कभी आपको लगता होगा कि इंजोरा होता है, कभी अंधेरा हो जाता है, फिर रोशनी आती है, फिर हो जाता है, तो मैं इस प्रकार से वीडियो सेट किया हूँ ना कि जब मैं लाइन कट भी जाता है तो भी वीडियो बनते रहता है ना, और लाइन आ भी जाता है तो भी वीडियो बनते रहता है, इस प्रकार से मैंने जो है कि स्टूडियो को सेट कर दिया, मैंने एक प्रकार से अपने रूम को जो है स्टूडियो में बदल दिया, स्टूडियो में पूरी तरह से बदल दिया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, इसलिए हम कहते हैं यदि आप लोग को यदि लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो जाकर लाइक बटन को क्लिक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे तो तुम लोग सब्सक्राइब कर ही लिया है तो आना, तो ये भरोसा है आप लोग सब्सक्राइब पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और हम जानते भी हैं आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, हाँ लेकिन जैसे वीडियो लगे है ना आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं होता है, एक आदमी एक ही बार सब्सक्राइब कर सकता है, दो बार सब्सक्राइब नहीं कर सकता, तो एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया अब जो है कि वीडियो आएगा तो आपको सिर्फ जो है कमेंट करना है, कमेंट में ये बताना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कौन सा भाग आपको अच्छा लगा, हो सके तो हमको वीडियो जो है कि आप लोग काट कर हमको भेज सकते हैं और बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको जो है कि समझने बहुत अच्छा लगा, या फिर आप जो है कि हमको लिख के भेज सकते हैं, तो ये काम करना है, तो उसमें जो है अधिकांश घरों में बिजली भी था, खेतों में सभी, अब खेतों में सभी क्या कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, नलकूप बिजली से ही चलते थे, नलकूप तो हमारे घर में भी नहीं है, मतलब जो खेत में जितने भी थे वो सारा जो है पहले के व्यक्ति जो है ना पानी को कुआं से जो है खींच खींच कर रस्सी से खींच खींच कर खेती करता था, लेकिन धीरे 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 जो है कि भारत में बिजली आई, और बिजली आई
तो बिजली जो है ना अपना कमाल दिखाई और सारे लोग जो है नलकूप लगा दिए, मतलब कि मशीन जो हम लोग आम बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, मशीन लगा दिया। मशीन लगाने के बाद वो जो खींचने वाला जो काम है हमने देखा है, हमने भी देखा है खींचते हुए है ना, खींच कर किस प्रकार से आलू पटाया जाता था, आलू में जो है कि पानी जो है कि डाला जाता था और जो जो खेती किया जाता था आलू का, तो सारा जो है हाथ से खींच खींच कर रस्सी के द्वारा जो है हाथ को खींच कर हाथ से द्वारा खींच खींच कर वो सारा चीज़ उत्पादन किया जाता था। और अभी जो है कि मशीन के द्वारा जो है कि सारा होता है। तो ये एक चलिए बहुत अच्छी बात है कि अब मशीन आ गया, नहीं तो पहले जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ करता था खेती करने में, बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ तो भी लोग जो है खेती को नहीं छोड़े। कल भी खेती करते थे, आज भी खेती करते हैं, आगे भी खेती करेंगे। और यदि खेती नहीं करेंगे तो कोई ज़िंदा ही नहीं रहेगा, मतलब खाना कहाँ से उत्पादन होता है, खेती करने से ही होता है। तो खेती करना ज़रूरी, कोई ना कोई तो खेती करेगा तभी आदमी खा सकता है। नल को बिजली से ही चलते थे और सारा क्या है बिजली से चलता था, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता था, मतलब नहाने धोने के लिए भी छोटे छोटे कार्य जो है ना उसके द्वारा भी जो है कि टोटल जो है कि मशीन के द्वारा किया जाता था। मशीन से पानी उठाओ नहा लो, अरे क्लियर हो गया बस, अभी भी जो तेज चलता है। अब तो सरकार ने तो घर गांव गांव में लगा दिया, उसी में सब लोग जाकर लगा हुआ है, ये तो चार नल हैं, चार लोग नहा रहे हैं, फिर चार लोग हैं, फिर चार लोग नहा रहे हैं, फिर बर्तन लाग रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, फिर मुँह धो रहे हैं, सारा चीज़ क्या ना क्या कर रहे हैं। तो ये भी जो है कि एक प्रकार की सुविधा जो है सरकार के द्वारा दिया गया, जो अच्छी बात है, देनी भी चाहिए। नल को बिजली से ही चलते, और ये भी बात है वो सारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम सौर ऊर्जा के माध्यम से जो है चलता है। ऐसा नहीं कि आप जाइए बटन दबाइए उसके बाद आपका चलेगा, आपको क्या है कि आप जाइए आराम से खोलिए, आपको टेंशन नहीं, आप फिर नल को खोलिए पानी निकालिए और बाकी जो है कि अपने आप जो है हो रहा है। नल को बिजली से ही चलते थे और उसका इसका इसका उसका नहीं इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता था। पालमपुर में दो प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय क्या, आप जैसे आप घर से बाहर निकलते होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा नौ प्राथमिक विद्यालय, जहाँ का हो वहाँ नाम लिखा रहता है, वो मतलब सरकारी स्कूल था, समझे, सरकारी स्कूल। अभी का सरकारी स्कूल तो बंद है, सरकारी स्कूल में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, जाओ आराम से, ड्रेस मिल गया, पैसा मिल गया, पैसा भी मिलता है, ड्रेस भी मिलता है, खाना भी मिलता है, है ना। और उसमें जो है क्या है कि आपको जो है कि ऐसा नहीं कि रोज़ एक ही खाना मिलेगा, रोज़ रोज़ अलग अलग, आज खीर मिल गया तो कल जो है आपको जो है कि चोखा मिल गया, चोखा के साथ मिल गया आपको चावल मिल गया, फिर आपको जो है बहुत सारे क्या आइटम अंडा मिल गया, है ना, पता नहीं मुर्गा मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन वो भी मिलता होगा, मालूम नहीं, हो सकता है मिलता हो, तो हमने तो नहीं देखा। हम लोग के समय में सरकारी स्कूल में सिर्फ खिचड़ी ही मिलता था, अब के सरकारी स्कूल में दूध भी देता है जी, दूध देता है, उसके बाद जो है केला देता है, बहुत कुछ देता है, अंडा देता है ना, क्या क्या नहीं देता है। तो सरकारी स्कूल का पढ़ने का फ़ायदा ही अलग है, नहीं मतलब नाम लिखा लो कम से कम, बहुत कुछ मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलता है ठीक से, सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलता है 10 के बाद से, 10 से पहले जो है कि हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमने जो है कि सरकारी स्कूल में पढ़ के देखा है। मैंने भी जो है कि 3 और 4 जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा है, और उस टाइम जो है कि खाना पीना सब मिला, कपड़ा नहीं मिला, उसमें कपड़ा नहीं दिया जाता था, और खाना खिचड़ी दिया जाता था, ज़्यादा ज़्यादा चावल दे दिया जाता था, कभी कभी मछली, कभी कभी अंडा दे दिया जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पर शिक्षा जो है सही, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, खाना पीना तो घर में भी आदमी खा लेता है, लेकिन शिक्षा जो है वहाँ पर नहीं मिलता था। बाद में जो फिर साइकिल देना शुरू हो गया, हम लोग समय जो है कि हमको साइकिल भी नहीं मिला, गलत हो गया मेरे साथ, क्योंकि अरे साइकिल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हाँ क्योंकि मैंने 3 और 4 ही ना पढ़ा है, तो कहाँ से मिलेगा साइकिल। चलिए अच्छी बात है, जिसको मिल रहा है तो अच्छी बात है, सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है कि 10th क्लास पास करने पर जो है आना, फर्स्ट डिवीज़न पास करने पर भी बहुतों को साइकिल बांटा गया, यह भी बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास करो और पास लगे रहो, साइकिल वाइकिल सब चीज़ लो, लेकिन शिक्षा नहीं लेना है कि नहीं, शिक्षा लेना है तो आप लोग आइए, मेरा वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और जुड़ जाइए, आराम से पढ़िए। और मैंने तो सारा जो है कि सारा का सारा वीडियो डालूंगा, एक एक वीडियो डालूंगा, आप लोग देखना यदि चाहे तो पूरा देख सकते हैं, या फिर क्लास में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है वो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर भी छोड़ दूंगा कि कभी जो है कि आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दो प्राथमिक विद्यालय मतलब दो सरकारी स्कूल, दो को सरकारी स्कूल था वहाँ पर, दो को सरकारी स्कूल था,
और एक हाई स्कूल था, है ना, प्राथमिक और छोटा स्कूल, है ना, प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक मतलब जो है कि 5 तक पढ़ाता जाता है और सरकारी स्कूल था मेरे ख्याल से, और एक हाई स्कूल। हाई स्कूल क्या है, हाई स्कूल मतलब 6 से स्टार्ट होता है, 6-8 से स्टार्ट होता है तो उसको जो है हाई स्कूल कहते हैं। तो एक हाई स्कूल भी था जिसमें 10 लोग पास करते होंगे। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल। घर से बाहर निकालिए, अपना पंचायत में देखिए, वहाँ पर भी होगा एक स्वास्थ्य केंद्र जिसका शीशा जो है पत्थर से फेंक फेंक के तोड़ दिया और गुस्सा से तोड़ दिया। कौन सा गुस्सा है ये गुस्सा है कि बना तो दिया स्वास्थ्य केंद्र लेकिन डॉक्टर कब दोगे, और नहीं दोगे तो ये शीशा वाला सारा जो मॉडल बनाया हो ना, ले जाओ इसको, हम करेंगे क्या, देख देख के क्या, यदि कोई बीमार होगा तो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में जाके क्या बोलेगा, बिल्डिंग को बोलेगा भाई इलाज कर दो। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि पत्थर उठाया और मार मार के तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर एक गलती है, ये जो बना है ना स्वास्थ्य केंद्र और जो शीशा के द्वारा जो खिड़की लगा हुआ है वो भी जो है कि हम लोग का ही पैसा का, हम लोग का टैक्स का द्वारा बना हुआ है, तो इसलिए मत तोड़ो यार, उसको तोड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, है ना। तो ये अपना ही पैसा है, किस प्रकार से हम लोग टैक्स देते हैं, अब तो इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना ही है, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, तब पढ़ा देंगे आपको। स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय, मतलब प्राइवेट, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही था, उसमें निजी औषधालय मैंने वहाँ पर जो है मेडिसिन मिलता था, है ना, हॉस्पिटल नहीं था, मेडिसिन का दुकान था जो प्राइवेट था, है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। इन जगहों में जो है कि रोगी मतलब बीमार आदमी, रोगी मतलब कौन सा हो गया, बीमार आदमी, अब हमको ये समझ नहीं आता है, चलिए ठीक है समझ नहीं आता, जाने तो बाद में कभी आप लोग पूछेगा तो बताएंगे। उपयोग विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र था, मतलब ये जो है सारे चीज़ थे और वहाँ पर एक विकसित क्षेत्र भी था। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट के गांवों में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। हाँ तो स्वास्थ्य केंद्र हम लोग का भी है, स्वास्थ्य केंद्र है, है ना, और स्वास्थ्य केंद्र में जो है डॉक्टर ही नहीं है, चलिए एक बात हो गया। दूसरा तुलना हम लोग करके देखते हैं, दूसरा तुलना क्या करेंगे, क्या बोला, बिजली है, बिजली भी हम लोग का है और बिजली का जो है कि बिजली दिखाई देता है तो बड़ी बहुत अच्छी बात है, बिजली आती है जाती है, कभी आती है कभी जाती है, तो ये बिजली भी है, तो ये चीज़ है। उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, बिजली भी हो गया, विद्यालय हैं जो बंद हैं, है ना, कोरोना वायरस के कारण से जो है विद्यालय बंद जा रहे हैं, और सिंचाई के लिए साधन जो है ये हो रहा है धीरे धीरे, बिजली है, है ना, परिवहन के साधन भी है, सबके घर में एक एक बाइक भी है, तो बहुत सारे साधन हैं, है ना। सरकारी स्कूल लेकिन दो नहीं है भाई, एक वो है, है ना, वो भी बंद पड़ गया है, दो स्कूल था, एक बंद हो गया, एक स्टार्ट है। ये प्राथमिक विद्यालय हमारे गांव में, प्राथमिक, आप जब कभी आइएगा तो हमारे गांव में जो है दो प्राथमिक विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय में बिल्डिंग बना हुआ है, एक प्राथमिक विद्यालय में बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, मतलब दो है, नीचे बना हुआ है फिर एक ऊपर बना हुआ है, मतलब जैसे हम लोग क्या कहेंगे आप आम बोल भाषा में इसको कहेंगे तो तल्ला बना हुआ, हाँ दो तल्ला वाला बना हुआ, बिल्डिंग वाला बना हुआ, बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जगह बना है, और एक में जो है कि एक ही तल्ला बना हुआ, एक ही घर रूम जैसा बना हुआ, ऊपर में जो छत में जो घर नहीं बना हुआ है। अब क्या हुआ कि एक जिसमें आता था, है ना, जो दो बिल्डिंग बना हुआ है, दो घर बना हुआ है ऊपर और नीचे, दो तल्ला जिसे कह सकते हैं, तो उसमें क्या है कि बंद हो गया, अब स्कूल जो है कि वो स्कूल जो है बंद हो गया, मतलब पूरी तरह ही बंद कर, सरकार के द्वारा वहाँ पर बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ जो है स्टूडेंट ही नहीं पढ़ने आता था, तो उसे जो 10-12 स्टूडेंट आता था पढ़ने के लिए उसे दूसरा स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ये स्कूल को बंद कर दिया गया। अब ये स्कूल हवा फाँक रहा है, हवा आओ जाओ, और ये जो है हमारा पैसा का स्कूल बना है, हम लोग का टैक्स का पैसा से बना है, और इसका कोई यूज नहीं है, किसी प्रकार का कोई यूज नहीं है वहाँ पर, किसी प्रकार नहीं, वहाँ पर जाके देखिएगा आपको घृणा लगेगा वहाँ पर जाने में, किस प्रकार का कचड़ा हो गया है। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, मतलब पैसा को किस प्रकार खर्चा करना है इसको भी देखा नहीं गया है। हमारा पैसा है,
हम लोग के पॉकेट से जाता है, खर्चा करने वाला का पॉकेट से तो निकलता नहीं, किस प्रकार खर्चा हो रहा है एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्डिंग दो यूज कुछ नहीं, उसमें वास्तव में उसको जो है कि बंद कर दिया गया है, एक प्राथमिक स्कूल चलता है, दूसरा प्राथमिक स्कूल को बंद कर दिया गया है, नया नया बिल्डिंग बनाया गया और उसको जो जस का तस है, किसी प्रकार का कोई यूज नहीं वहाँ पर। यदि स्कूल खुल भी जाता है कोरोना वायरस के बाद तो वहाँ पर बच्चे नहीं जाएंगे, वहाँ पर टीचर नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं है ना, तो ये स्थितियाँ को जो है कि तुलना करने के लिए बोला गया, तो थोड़ा हम अपना गांव से तुलना कर दिए, आप लोग भी अपना अपना गांव से तुलना कर सकते हैं। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, मतलब भारत में जो गांवें हैं वहां पर लगभग मतलब कि 100% में वहां पर 90% लोग जो है कि खेती जो है ज़रूर करते हैं, और कहीं कहीं जो है 100% जो लोग खेती करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हर जगह जो हर गाँव में जो है कि कम से कम 90% तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पर जो कृषि प्रधान देश भारत भी कहा गया, कृषि प्रधान मतलब यहाँ पर कृषि ही कहा किया जाता है। भारत में भारत के गांवों में खेती उत्पादन के प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियां में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहते हैं, जो कृषि नहीं करता उसे गैर कृषि कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति जो है कृषि नहीं कर रहा उसे क्या कहते हैं, गैर कृषि, मतलब हम कृषि नहीं कर रहे हैं, कोई जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और हम कृषि नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गैर कृषि कार्य हो गया, मतलब हमने तो कृषि किया नहीं तो हमने दूसरा कोई काम कर रहा है, तो ये कौन सा कार्य कहलाएगा, गैर कृषि कार्य कहलाएगा। कौन सा कार्य कहलाएगा, गैर कृषि कार्य। लघु विनिर्माण, लघु विनिर्माण मतलब कुछ बना रहा है ना, पत्थर को काट काट के मूर्ति बना दिया, लकड़ी को काट काट के मूर्ति बना दिया, या पलंग बना दिया, या कुर्सी बना दिया, ये भी जो है लघु विनिर्माण में हो जाएगा। परिवहन, परिवहन में क्या, ड्राइवर बनकर जो है गाड़ी को इधर से उधर लेके जा रहा है उसको परिवहन कर सकते हैं, मतलब कोई है गाड़ी खरीदा हुआ है, गाड़ी में सामान लेता है, अपना सामान यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचा रहा है, दूसरे का सामान वहाँ से वहाँ, उसके बदले वो कुछ पैसे ले रहे हैं। इसके बाद दुकानदारी, दुकानदारी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग दुकान चलाते हैं, अब दुकानदारी में क्या है, दुकानदारी में दुकान जो है कि सामान बेचता है, सामान बेचने के बाद उसमें कुछ छोटा सा मुनाफा कमाता है और उसे अपना घर भी चलाता है, अपने आप का जो है कि अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब कुछ वो जो है करवाता है दुकान चलाकर। ये भी बात जो है कि आप लोगों को जानने की बात है। आदि शामिल है, हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे, मतलब उत्पादन के बारे में सामान्य बात बताया जाएगा, उसके बाद हम लोग को इन बातों के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। एक पेज तो लगता है ख़त्म हो गया, और लास्ट में लिखा हुआ है एक ऐतिहासिक रूप से, यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा आप लोग के लिए है ना, उत्तर प्रदेश से आधारित है, कर रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला बुधनखर गांव में से है, मतलब ये आप लोग का पढ़ने का है, आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा क्या लिखा है, उसमें कुछ था नहीं इसलिए। अब देखिए उत्पादन का संगठन, उत्पादन का संगठन, संगठन मतलब समूह कर सकते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है, जैसे मान लो कि हम लोग का जो है कोई ऐसा वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसका कोई आवश्यकता ही नहीं है, जैसे हम लोग जो है कि जहर का उत्पादन कर रहे हैं, पोषण का उत्पादन कर रहे हैं, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो उत्पादन की क्या आवश्यकता है, जैसे हम लोग धान का उत्पादन कर रहे हैं, तो धान का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, धान को जो है हम लोग चावल बना के उसको खाएंगे। गेहूं का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, गेहूं का जो है कि उत्पादन इसलिए कर रहे हैं कि उसमें जो है कि हम लोग गेहूं का उत्पादन करने के बाद उसे रोटी बना के खाएंगे, तो ये दो काम हुए कि नहीं हुए। अब जौ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका भी है, सरसों का उत्पादन कर रहे हैं, सरसों का उत्पादन क्यों कर रहे हैं, उसमें तेल बनाकर हम लोग जो सब्जी बनाने के समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है तो तेल ही आता है, तो उसका भी उत्पादन इसके कारण से कर रहे हैं। तो उत्पादन उसका हम लोग करते हैं जो हम लोग को ज़रूरत हो, ऐसा उत्पादन नहीं करते जो हमको ज़रूरत ना हो, ना तो पत्थर का उत्पादन करते हैं फैक्ट्री में लगा के, ये पत्थर बनाने का तकनीकी बनाओ रे, पत्थर बनाने की तकनीकी लाओ और पत्थर बनाते हैं, तो ये होता है पत्थर तोड़ने का काम करता है, पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाया जाता है, आप देखिए रेल के पटरियों में गिट्टी दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, तो ये सारे उत्पादन के श्रेणी में आते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक है, मतलब किसी भी वस्तु और किसी सेवा को उत्पादन करने के लिए चार चीज़ की
आवश्यकता पड़ती है। पहली आवश्यकता भूमि, मतलब हम लोग यदि वहाँ धान का उत्पादन करेंगे तो हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, बिना भूमि का जो आप उत्पादन नहीं कर सकते। आप धान लगाएंगे तब ना उत्पादन होगा, उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक भूमि चाहिए। या आपको गन्ना लगाना है तो गन्ना लगाने के लिए भी भूमि चाहिए उसके लिए, या आप चना लगाएं, चना लगाने के लिए भी तो आपको भूमि ही चाहिए। भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जल तो चाहिए, कोई भी चीज़ लगाने के बाद जल नहीं गिरने पर या जल नहीं देने पर वह ऑटोमेटिकली अपने आप जो है कि मर जाएगा, ये बात आप जानते हैं। वन, खनिज दूसरी आवश्यकता है। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, मतलब लगाने का जो काम करेंगे, तो कोई तो लगाएगा या अपने लग जाएगा। तुम गन्ना लेके आया, गन्ना कहीं से लेके आया, बोले लग जाओ अपने, तो लगेगा। चावल, आपको धान लगाना है तो धान लगाने का धान खरीद के लाएँ, अरे धान जा लग जाना अपने आप, जाओ ये खेत मेरा, ये खेत सारा, ये खेत जो है कि ये मेरा खेत है, यहाँ यहाँ पर जाकर आपको जाके लग जाना है, तो लगेगा नहीं लगेगा। गेहूँ लाएँ और बोल दें गेहूँ के, जाओ गेहूँ ये मेरा सारा खेत है, वहाँ पर जो जाकर तुम अपने लग जाओ, हम मेरे पास टाइम नहीं है तुमको लगाने का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब लोगों की आवश्यकता होती है, लोग नहीं होंगे तो उसको लगाने का काम कौन करेगा, इसलिए लोग चाहिए। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत नहीं होती है। अब जो मान लो कि पौधा लगाने के लिए बोलेगा और बोलेगा इसमें तो इंटर पास आना चाहिए तब पौधा लगा सकेगा, तो इसी बात तो है नहीं। अब कोई को है कि MSc आ गया और बोलेगा हमको जो है कि हम MSc करके आए, आप लोग पौधा लगाने नहीं जानते, हम लगाएंगे, तो यहाँ पर हर वर्षों वर्षों से लगा रहा है। तो ये सारे चीज़ है, कोई भी चीज़ को लगाने के लिए है ना उतना भी जरूरत नहीं कि पढ़े लिखे हो। धान लगाने के लिए भी आपको ये जरूरत नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ के आओ तब आप धान लगाओ। किसान का जो कुछ नहीं जानता वो भी धान लगा लेता है, वो भी उत्पादन कर लेता है। सारे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके गाँव में भी देखिए करता होगा, आप अपने गाँव में भी देख लीजिएगा। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है, मतलब शरीर से कार्य करने वाले श्रमिक की आवश्यकता होती है, कहें कि वो अपने हाथों के द्वारा जो है वो धान जो है लगाने जाएगा या फिर गेहूँ लगाने जाएगा। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं, मतलब जितना उसको जो श्रम करना चाहिए, जितना मेहनत करना चाहिए वो मेहनत करता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के लागत, मतलब आप किसी चीज़ को लगा रहे हैं या श्रम के लिए आप आदमी मंगाएं तो फ्री का तो कोई आएगा नहीं। चावल धान यदि खरीद के आए या फिर गेहूँ खरीद के आए उसके लिए आपको पैसा चाहिए तो पूंजी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दे आते हैं? अब भौतिक पूंजी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है सो देखिए, यहाँ पर देखने का काम करते हैं। रोजगार, मशीन नहीं, रोजगार नहीं औजार हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है औजार हैं। मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थाई पूंजी कहा जाता है। मतलब ये जो है औजार, मतलब कुदाल एक प्रकार से आप सोच लीजिए, मशीन, भवन और जो हम औजारों तथा मशीनों का अत्यंत साधारण औजार जैसे आप लोग हल चलाते हैं तो हल, किसान का हल लेकर प्रसिद्ध जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर ये सारे जो है कि आपका भौतिक पूंजी में आता है, इसे स्थानीय पूंजी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिएगा, स्थानीय पूंजी से आप क्या समझते हैं? स्थानीय पूंजी से आप क्या समझते हैं इसके उदाहरण सहित समझाएँ, इसे उदाहरण सहित समझाएँ। स्थानीय पूंजी से आप क्या समझते हैं इसे उदाहरण सहित समझाएँ। ओके, समझ में आ गया? ओके लिख के डालो, ओके लिखो कमेंट बॉक्स में, यदि समझ में आ गया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया इसलिए नहीं लिख रहे कमेंट करता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है कि नहीं। अब क्या है कि आप लोग ऊपर क्लास में आए तो लंबा तो पढ़ना पड़ेगा ना, शॉर्टकट में पढ़ना है तो 5 मिनट का वीडियो धरा हुआ है उसको देख लीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो दूसरा बच्चा तो डाल ही देता है वहाँ से भी छाप के, बहुत लोग तो छाप छाप के काम चला रहा है, वो हम भी जानते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी जो है समझ ही नहीं आएगा, क्या समझा पता नहीं, क्यों समझा पता नहीं, क्या करना है पता नहीं। जब परीक्षा आ रही उस दिन यदि पढ़े होते ना तो ज़रूर लिख लेते हैं, या फिर ये बोलेगा टाइम ही नहीं मिला यार, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का, क्या करें, बहुत काम था, गरीब थे हम
है ना, इस वीडियो को आप रात में भी देख सकते हैं, सुबह भी देख सकते हैं, कहीं एक दिन दो दिन तक तीन दिन तक तो ये वीडियो हटता नहीं है। तो ये बात तो आप बोलिएगा ही नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं था। आपके पास 24 घंटा में एक घंटा का तो टाइम मिल ही सकता है, और ये वीडियो एक घंटा से ज़्यादा ज़्यादा तो 1.5 घंटा का बनता है, इससे ज़्यादा वीडियो तो हम बनाते नहीं हैं। तो इतना भी तो सोचो सोचो, अभी मौका है, नहीं मौका में यदि करेगा तो परीक्षा में पछताएगा, और तब पछताने से होगा जब चिड़िया आगे, हम लोग समझदार हैं, चिड़िया क्या करती है भाई, लिख के बताओ तो। अब पछताने से होत क्या जब चिड़िया आगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कच्चा माल और नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। अब कुम्हार को बोला जाए, भाई कुम्हार तुमको हंडिया बनाना है, एक जो है कि सुराही बनाना है, और उसको बोला तुमको मिट्टी के बिना बनाना है, तो क्या वो बनाएगा, बना पाएगा बिना मिट्टी का? आपको एक मिट्टी का सुराही बनाना है कुम्हार जी, लेकिन आपको मिट्टी नहीं यूज करना है, तो बना पाएगा? तो एक कुम्हार के लिए कच्चा माल क्या है, मिट्टी है। मिट्टी का प्रयोग जो किया जाता है कुम्हार के लिए कच्चा माल हो गया मिट्टी, और मिट्टी के द्वारा जो बन जाता है उसको हम पक्का माल कहेंगे, जो सुराही बन गया वो पक्का माल कहेंगे, है ना, इसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। मिट्टी को जो है कुम्हार के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, है ना। और जैसे यहाँ पर जो है सूत्र के लिखा है, यानी जो बुनकर होते हैं, जो बुनने वाले हैं, उसको बोलेगा बिना सूत के एक बुन के दो, तो एक शर्ट बना के हमको दो या एक कमीज बना के दो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, उसमें सूत का प्रयोग नहीं करना, बिना सूत का जो है कि एक कमीज बना के दो, तो क्या कमीज बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक बुनकर के लिए जो है सूत जो है कच्चा माल हो गया, उसका जो रॉ मटेरियल जो है सूत हो गया, और एक कुम्हार के लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या हो गया, आपका मिट्टी हो गया। अरे बहुत प्यार से समझा रहे यार, लाइक तो कर देना या फिर कमेंट कर देना, इतना प्यार से समझाने। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। देखो क्या होता है कि हम लोग को जो है धान लगाना है, धान लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसे से धान खरीद के लाएंगे तब लगा सकते हैं। तो पैसों की आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कार्यशील पूंजी। अब आपका सेकंड प्रश्न आ गया और लिखना है कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। कार्य पूंजी से आप क्या समझते हैं, पेन यदि आप नीचे रखें तो आधा पढ़ लो और लिखो कॉपी में, कार्यशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। बहुत लोग जो है वीडियो चालू करके छोड़ के दूर चल जाता है, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, वीडियो जब चले तो सामने रहो, ऐसा बात नहीं वीडियो चल रहा है और वो दूसरा जगह चल रहा है, दिमाग दूसरा जगह चल रहा है। वीडियो जब स्टार्ट किए हो तो पूरा देखो, पहला बात। दूसरा बात कि वीडियो से दूर मत जाओ, ऐसा नहीं कि यहाँ चालू करके छोड़ दिया और वहाँ पर तो नहाने चल गया है या फिर कुछ और कर रहा है, है ना। तो उसको जो है कि साथ में रख, मोबाइल को यूज कर, कभी तो यूज कर सही किस चीज़ के लिए। बहुत सारा पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल लिया है ना, बहुत सारे गेम आ गया, MS में भी जो है गेम आ गया है, उसमें भी खेल खेल के बहुत लोग पैसा कमा रहा है। कोई पैसा कमा रहा है तो कोई जो है कि चिकन डिनर कर रहा है, तो कोई बोई बोई कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। तो आओ सब कुछ करने के बाद यदि टाइम मिल जाता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो हम लेते हैं वो भी दे दो, ये तुम्हारे लोग के लिए है, समझने के लिए। और लाइव देखा करो, एक साथ सभी लोग देखा करो, सब लोग कमेंट करेगा एक दूसरे से, जो है कि कमेंट करने से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर उत्पन्न है, उत्पन्न नहीं उपलब्ध है। देखो मेरा भी थोड़ा गड़बड़ा गया, रश्मि के द्वारा तो रोज़ वीडियो देखा जा रहा है, पंकज के द्वारा रोज़ वीडियो देखा जा रहा है, इसके बाद आफरीन के द्वारा भी रोज़ वीडियो देखा जा रहा है, और प्रकाश के द्वारा भी रोज़ वीडियो देखा जा रहा है। बाकी लोग तो महान हैं, और महान लोग को तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। उन लोग बाद में बोले अरे मास्टरवा हम पढ़े ले ना, ठीक से मास्टरवा जो है बढ़िया से पढ़ाया नहीं, इसलिए हम परीक्षा में पास हो पाए नहीं, सारा गलती तो मास्टर जी का है। और यहाँ पर जब वीडियो बना बना के, लंबा लंबा वीडियो बना बना के, अपना नेट खर्चा करके, सारा चीज़ करके जब यहाँ पर दो, तो उसको भी जो है कि यहाँ पर चालू कर लिया है और दूर खड़ा
बेचारा दूर दूर खड़ा जाके सुन रहा है, सुना भी नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। तो वीडियो जब चल रहा है तो सामने बैठा करो उसको, ठीक से जो है कि सुनो समझो, और समझने के बाद उसको लिखने का प्रयास करो। जो कॉन्स्टेंट जो आप लोग को दिया जाता है उसको लिखने का प्रयास करो। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आंसर भी लिखवाएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन उसके पहले तो तुम लिखने का प्रयास तो कर सकता है, करो उसका भी प्रयास करो। तो कार्यशील पूंजी क्या है ये आप लोग को लिखना है। आगे देखते हैं, औजारों मशीनों तथा भवनों से भिन्न से चीज़ों उत्पादन क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाती हैं। मतलब औजारों मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। मान लो पैसा जो है, आप 100 रुपया का चावल, 100 रुपया का धान लगाए लगाने के लिए, तो आपका जो है कि धान भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो भी बीजा डालिएगा तो उसमें उत्पादन तो होगा ना। तो धान खत्म, धान के बाद धान मिलेगा, है ना। और दूसरा बात, आपने पैसा दिया, वो पैसा आपके पास रहेगा बताइए? तो खरीदने के लिए जब पैसा देंगे तो उसको दीजिएगा तब ना आएगा, तो उसका वो समाप्त हो गया। तो इसी कारण से यहाँ पर बोला गया है कि वो समाप्त हो जाता है ना, ऐसा नहीं है। एक चौथी आवश्यकता, अब जो है किसी चीज़ में चौथी आवश्यकता क्या है वो चीज़ को भी देख लो। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और पूंजी, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान। अब देखो, ज्ञान लेना ज़रूरी है। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं? ज्ञान के लिए, नहीं तो देखते हैं? नहीं देखते हैं, ज्ञान के लिए ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हम जो फालतू का बात करते तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को नहीं देखते। कब कब बाहर हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, सोचो सोचो, सोच सकते हैं? इतना बड़े तो आप लोग हो गए हैं कि आप सोच तो कम से कम सकते ही हैं। ज्ञान और उद्यम, उद्यम मतलब वही, उद्यम मतलब इसको क्या कहेंगे, उद्यम मतलब एक प्रकार से उत्साहित होकर काम करना बोल सकते हैं, है ना। उद्यम मतलब उद्यम, और इसके अर्थ होते हैं, है ना, इसका जो है कि उद्यम करना, हाँ मेहनत करना। उद्यम मतलब मेहनत, मेहनत की आवश्यकता पड़ती है आज कल इसे मानव पूंजी। और जो मेहनत करता है ना उसे आजकल मानव पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। उद्यम मतलब मेहनत, याद रखना, उद्यम मतलब मेहनत। और ज्ञान और मेहनत के बिना कोई काम नहीं होगा, ज्ञान और मेहनत से ही जो है कोई काम हो सकता है। तो ज्ञान ले लो और मेहनत करो लिखने का, है ना। मेरे से ज्ञान ले लो, और लेने के बाद जो है कि कॉपी में जो है कि आप लोग लिख लो, तो क्या हो गया, ज्ञान भी हो गया और उद्यम मतलब आप लोग मेहनत भी हो जाएगा। और वीडियो देख रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा मेहनत है। तो ये दोनों हो गया, उसके बाद देखिए, है ना, आंसर किस प्रकार से लिखाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग इसी में। एक क्वेश्चन क्या लिखना है, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। यहाँ 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 मानव पूंजी, मानव पूंजी उत्पादन तो ना होगा, आगे देखते हैं कहीं तो हम, हाँ देखो यहाँ पर एक लाइन है, बोले ना नहीं होगा। कहा जाता है मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे, इसमें नहीं करना है, अगले अध्याय में करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मानव लोग जो है, मतलब व्यक्ति लोग जो है काम कर रहे। देखिए ये व्यक्ति को कितना ध्यान से कर रहा है, इसमें ज्ञान है इसका दिमाग में भरा हुआ, है ना, इसके दिमाग में ज्ञान भरा है। और ये हाथ से जो है उद्यम कर रहा है, मन मेहनत भी कर रहा है। अब ये जो कोई पागल आदमी को यदि कंपनी में यदि भर दिया जाए तो हाथ तो हाथ बात भी कटा लेगा, चोटिल भी हो जाएगा। इसलिए जो है कि ज्ञान भी चाहिए और जो है मेहनत भी चाहिए, बिना मेहनत कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ, चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थानीय पूंजी की पहचान कीजिए। यहाँ पर पहचान करना आप लोग कर लेना। और यहाँ पर जो है कारखाने में मशीनों पर कार्य करते श्रमिक, ये सारे लोग जो है कि मशीन में जो है कि कार्य कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? अब बताओ, पहले समझ में आ रहा तभी हम आगे पढ़ाएंगे, यस या नो बोलो? नहीं पढ़ाएंगे, पहले तुम लोग बोल लो यस या नो। कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा है टाइप करने का, बड़ी आलस आलस भरा हुआ है। सुबह जल्दी सो के उठ गया है ना वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पर टाइप करने के लिए बोल रहे, कमेंट करने के लिए बोल रहे, कैसे कमेंट करें, है कि नहीं। यहाँ पर आप लोगों ने सुबह उठ गया जल्दी, है ना, जल्दी उठा देते हैं आप लोगों को, और आप लोग को जो है कि ऊपर से कमेंट करने के लिए बोल देते हैं, तो कैसे कमेंट होगा, बहुत आलस लगता है कि नहीं। अरे लगता है, चलो आगे देखते हैं, मेरा काम जो है उसको तो पूरा करने दो। उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके
संगठित होता है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। एक और सवाल आप लोग के लिए आ चुका है और ये सवाल लिखो, उत्पादन के कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। ओके, पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीन कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आज का वीडियो यहीं पर, यहाँ पर जो है भौतिक पूंजी को सिर्फ पूंजी कहा जाएगा। और ये जो है कि आज का वीडियो जो है कंप्लीट हो गया है और आगे हम लोग पढ़ेंगे पालमपुर में खेती। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पालमपुर में खेती। यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है, आगे हम लोग जो है थर्ड पेज की ओर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और जितना जल्दी ख़त्म हो सके चैप्टर को, चैप्टर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बताइएगा कि आप लोग को कौन सा भाग जो है सबसे अच्छा लगा। और रही बात है 2 रुपयों वालों की, है ना, तो जो 2 रुपये वाले हैं, जो 2-2 रुपये वाले आते हैं, जो आके बीच में कमेंट करते हैं कि मैं इनसे अच्छा पढ़ाता हूँ, या फिर तो आप लोग जितने चाहें तो जाके देख भी सकते हैं, एक बात। दूसरा बात, ये आप लोगों को कहा जाता है कि इसका नेट काम नहीं करता है, ये बहाना करने कर रहा है, तो आप यदि चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये 2-2 रुपये वाले हैं आपको बताते हैं, हमको ये सारे लोग जो है सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, अपना सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए हमको बुलाया था कि यहाँ आओ मेरे पास जो है कि सब्सक्राइब बढ़ाते हैं, इसको 2 रुपया चार्ज लेंगे। लेकिन मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर ऐसा। उसके बाद बोला अच्छा सब्सक्राइबर नहीं चाहिए तो कमेंट तो ले लो, तो बोले कि कमेंट भी नहीं चाहिए, तो बोले लाइक तो ले लो, बोले लाइक भी नहीं चाहिए, तो बोला तुम्हारा वीडियो चलने नहीं देंगे, तो बोले ठीक है चलाओ, नहीं चलने दो। तो उन लोग अपना काम कर रहा है, आप लोग अपना पढ़ने का काम करिए, मेरा हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन लोग को बीच में कमेंट करने और वीडियो को ख़राब करने का प्रयास करेंगे, डिसलाइक करने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग लाइक करके अच्छा कर सकते हैं। उन लोग कमेंट का पैसा ले रहे हैं, सोचिए, और हमने कह दिया कि नहीं हम तो देंगे ही नहीं पैसा, ना हम कमेंट आपको करने देते हैं, फालतू का कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को आके मेरा वाला कमेंट क्यों करिएगा, ये तो पढ़ने का स्टडी मटेरियल है, इसको स्टडी है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता होगा जरूर पढ़ेगा, और जिसको जरूरत ही नहीं है तो उसको पढ़ने का जरूरत है, तो आप लोग फालतू का। तो 2-2 रुपये वाले जो बीच में कमेंट आज भी शायद कर रहे किए होंगे, हमने देखा नहीं है, तो आप लोग देखिएगा, यदि ऐसा कोई कमेंट आएगा तो इसे इग्नोर करिए, फालतू कमेंट है ना। उन लोगों खुद जो है कि क्या आता है क्या नहीं आता है ये भली भांति है हमको पता है, क्योंकि ये सारे लोग से हम मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं, मिले हैं, और इन लोगों के बुलावे में हम वहाँ पर गए थे, बातचीत सारा चीज़ किए, और बातचीत करने के बाद इन लोगों को पता चला कि कितना जो है कि किसी के द्वारा किसी को यदि हेल्प किया जा रहा है यहाँ पर पढ़ाने का। एक साल से हम शांत थे, किसी प्रकार का कोई यूट्यूब में एक भी वीडियो नहीं डालें, पढ़ाए स्टडी के लिए कुछ नहीं डालें, है ना। सारे आप लोग जो है प्रमाण है कि मैंने जो है एक वीडियो भी नहीं डाला, जब तक ऊपर से हमको नहीं बताया गया कि आपको जो डालना है, तब तक हमने एक भी नहीं डाला। और हमको ना वीडियो डालने आता था, ना बनाने आता था, ना कुछ आता था, ना लाइव स्ट्रीम आता था, ना किसी प्रकार से कुछ नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जो है कि आप लोगों के लिए सब कुछ सीखा, हमको ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको वीडियो बनाना है यूट्यूब में, और यूट्यूब में आपको जो है कि SST में वीडियो बनाना है, तो हमने जो है SST में वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन हमें ये नहीं कहा गया था कि आपको 9 क्लास में बनाना है, जिस प्रकार अभी आप देखेंगे, यदि वीडियो में जाइए या नीचे जाकर देखिए सर्च करिए, तो आपको 10 क्लास का वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो है कि 10 क्लास वीडियो बनाने का जो है कि ऑर्डर नहीं था, हमको बनाने के लिए कहा नहीं गया था, तो हमने जो 10 क्लास का वीडियो हमने बनाया नहीं। लेकिन अब जो है कि आपको जो है 8 क्लास का वीडियो, 9 क्लास का वीडियो, 10 क्लास का और 11 क्लास का और 12 क्लास का सारा वीडियो, सारा सब्जेक्ट का टोटल इस चैनल में मिलेगा, टोटल का टोटल, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो यहाँ से ले लें। और यदि आपको आज पढ़ने में मज़ा आया हो तो नीचे लिखिए, हाँ मज़ा तो बहुत आया, है ना, तो आप लोग ये चीज़ को लिखिए, यदि मज़ा आया तो, और मज़ा नहीं आया तो नहीं, है ना, तो झूठ नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं और आगे जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वीडियो को यहीं पर जो है क्लोज़ करता हूँ।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, आप लोग ने लाइक भी करते हैं, और सोचने वाली बात यह है कि आप लोग वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर देते हैं, यह भी एक अच्छी बात है। हाँ ना, कौन टेंशन पाल कर रखता है, लाइक कर दें बस ख़त्म कहानी। अच्छा तो पढ़े भी करते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसको अच्छा ना लगे वो जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो कहाँ से बंद हो